तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। सोमवार दोपहर बयाना के जलदाय विभाग परिसर में कचरे के ढेर को जलाने के लिए लगाई आग ने एकदम से भीषण रूप ले लिया। आग से परिसर में रखे सीमेंट के दर्जनों नए पाइप चटक कर टूट गए। ये पाइप हाल ही में स्वीकृत हुई पेयजल योजनाओं में काम आने वाले थे। वहीं आधा दर्जन पेड़ भी जलकर नष्ट हो गए। आग से बने धुएं के गुब्बार आसपास के क्षेत्र में फैल गए। कर्मचारी की लापरवाही से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल जलदाय विभाग के परिसर में पेड़ों से टूटी सूखी पत्तियों से बने कचरे के ढेर में किसी कर्मचारी ने आग लगा दी थी। सूखी पत्तियों में लगाई आग एकदम से पूरे परिसर में फैल गई। आग ने परिसर में लगे पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग की तपन में वहां रखे सीमेंट के नए पाइप भी चटकने लगे। पाइप चटकने की आवाज़ सुनकर अंदर बैठे कर्मचारी बाहर निकल कर आए, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से धधक चुकी थी। बाद में कर्मचारियों ने बाल्टी और नली लगा कर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है,